नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। विश्व एड्स दिवस पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, इससे बचाव के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके बावजूद रीवा जिले में करीब 5000 की संख्या में HIV संक्रमित अब भी हैं, जिन्हें जिले के ART सेंटर में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कई बार HIV पीड़ित की संतानें भी प्रभावित हो जाती है। ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जिनमें बच्चों में संक्रमण फैलने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन माँ बाप की वजह से वो भी पॉजिटिव है। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस बार भी शहर में कई जगह जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं निकाली गई जागरूकता रैलियां और सुनाते हैं आयोजकों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। किनारे हो जाएगा थोड़ा। हम बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं मरीजों का, उसी तरह से उनका भी सामान्य मरीजों की तरह इलाज किया जाए। संदेश ये देना चाहते हैं कि सामान्य जन जो भी हैं, चाहे उनको किसी भी तरह का संदेह हो, असुरक्षित यौन संबंध से उनको ऐसा लगता हो कि हमको हो सकता है, या कभी भी कोई ऐसा अनएक्सप्लेन्ड लक्षण उनको आ रहा हो, वजन कम होता है, बुखार आता है, इलाज ठीक नहीं हो पा रहा, दवाई कराता है तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार अपनी HIV की जाँच जरूर करानी चाहिए। सामान्य स्वस्थ आदमी को भी HIV हो सकता है, तो यही जागरूकता फैलाने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जांच कराएं अपनी।